जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के टॉप 15 क्वेश्चन की, जो आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह के वीडियो में आपको बताया था कि अभी एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम करना बहुत ही ज़रूरी है, तो बिल्कुल आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग केमिकल रिएक्शन से संबंधित जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में क्वेश्चन है, उसमें से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। पहला ऑप्शन है जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, दूसरा ऑप्शन है बर्फ के गलन पर जल का बनना, तीसरा ऑप्शन है जल में लवण का विलय होना, चौथा ऑप्शन है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है इन चारों में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि फिजिकल चेंज नहीं है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि फिजिकल चेंज बोलते किसको हैं? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि वैसा परिवर्तन जिसमें हमको ओरिजिनल पदार्थ यानी कि मूल पदार्थ फिर से प्राप्त हो जाता है, क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज कहलाता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ध्यान दीजिएगा अपने पहले ऑप्शन पे, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना। मेरे मित्र, जब आप जल को गर्म करते हैं तो क्या होगा? आप कहेंगे सर जल अपने क्वथनांक बिंदु पर जैसे ही पहुंचेगा वो उबलना शुरू हो जाएगा, उबलेगा तो क्या मिलेगा? आप कहेंगे वाष्प मिलेगा, और उसी वाष्प को आप फिर से ठंडा कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी हमको फिर से जल मिल गया। और अभी जस्ट आपने क्या देखा है कि फिजिकल चेंज वैसा चेंज होता है जिसमें हमको मूल पदार्थ मिल जाता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, फिजिकल चेंज नहीं है। आप पहला ऑप्शन में क्या देख रहे हैं कि जल को गर्म करने पे वाष्प तो बनता है लेकिन वाष्प से हमको फिर जल मिल सकता है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? आप कहेंगे फिजिकल चेंज है, ये आंसर नहीं होगा। आपका दूसरा ऑप्शन है बर्फ के गलन पर जल का बनना। मेरे मित्र, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर बर्फ गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो वाटर में तब्दील हो जाएगा, और अगर हम लोग वाटर को क्या करें, फ्रीज कर दें यानी कि ठंडा कर दें, तो हमको फिर से क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे आइस यानी कि बर्फ मिल जाएगा, यानी कि मूल पदार्थ जो है हमको यहाँ पे भी मिल जा रहा है। मतलब ये हुआ कि आपका दूसरा ऑप्शन भी क्या है, फिजिकल चेंज है। आपको क्या चूज करना है, जो फिजिकल चेंज नहीं है। ध्यान देंगे तीसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि जल में लवण का विलय होना। मेरे मित्र, मान लो कि ये आपका एक ग्लास वाटर है, पानी है, और इसमें आप क्या कर रहे हो, तो NaCl मिला दे रहे हो, तो NaCl जब आप मिलाओगे ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर जल और लवण का विलयन हो जाएगा, और हम चाहें तो जल और लवण के विलयन से क्या कर सकते हैं, तो सर जल और विलयन को अलग अलग कर सकते हैं। जल और विलयन को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जब हम अलग अलग कर सकते हैं मतलब मूल पदार्थ को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका तीसरा ऑप्शन भी क्या है, फिजिकल चेंज है। ध्यान देंगे चौथे ऑप्शन पे, इसमें कहा जा रहा है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे कि द्रवित पेट्रोलियम यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी द्रवित पेट्रोलियम गैस यहाँ पे LPG को बोला जा रहा है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ध्यान देंगे कि जो LPG आपके घर में जलता है वो एक बार अगर जल जाता है तो क्या फिर से आप उसको प्राप्त करते हो? आप कहेंगे गुरुजी ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, कम से कम सिलेंडर ख़त्म होने पे हमको फिर से पैसा नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन में क्या होता है, तो मूल पदार्थ हमको फिर से नहीं मिल सकता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं ये जो है ये हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है हमारा, रासायनिक परिवर्तन है। तो मेरे मित्र, यहाँ से आपका दो चीज़ क्लियर हो जाता है, पहला फिजिकल चेंज क्लियर हो जाता है और दूसरा केमिकल चेंज क्लियर हो जाता है।
तो फिजिकल चेंज में क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी मूल पदार्थ हमको फिर से मिल जाएगा, जबकि केमिकल चेंज में क्या होगा, तो एलपीजी जब जल जाता है तो ये फिर से हमको नहीं प्राप्त हो पाता है, हमको फिर से नया सिलेंडर लेना पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ जो है अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, आप कहेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो सही आंसर कौन लेके जाएगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी लेके जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन है कि 4NH3 जब 5O2 के साथ रिएक्ट करता है तब ये 4NO बना लेता है और साथ ही साथ 6H2O भी बनाता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है ये जो अभिक्रिया है ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा आपके ऑप्शन में दिया हुआ है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है उदासनीकरण अभिक्रिया। और आपको बताना है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये कौन से दो अभिक्रिया का उदाहरण बन सकता है। आप कहेंगे सर हम कैसे पता करेंगे, मेरे मित्र आसानी से पता कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि रिएक्शन अमोनिया और ऑक्सीजन के बीच हो रहा है, रिएक्शन किसके बीच हो रहा है, तो सर अमोनिया और ऑक्सीजन के बीच हो रहा है। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जब ये दोनों रिएक्ट करा तब ये क्या बना लिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लिया और साथ ही साथ वाटर बनाया। मेरे मित्र प्रोडक्ट से आपको क्या लग रहा है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रोडक्ट से हमको ये लग रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के द्वारा अमोनिया से हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है। और मैंने आपको बताया है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्वों को हटाया जाता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के द्वारा हाइड्रोजन को हटा करके नाइट्रोजन के साथ खुद को जोड़ लिया जा रहा है, मतलब क्या हुआ कि सर कहीं ना कहीं ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या फिर इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। साथ ही ध्यान देंगे कि यहाँ पे और क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर इस अभिक्रिया में अगर हम प्रोडक्ट पे ध्यान दें तो ये कह सकते हैं कि अमोनिया से हाइड्रोजन हट रहा है, अमोनिया से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट रहा है और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ जुट रहा है, तो सर हाइड्रोजन और साथ ही साथ नाइट्रोजन दोनों के साथ जुट रहा है, तब तो ये NO और H2O बना रहा है। मेरे मित्र जरा सा आप हमको बताइए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हमने आपको क्या बताया है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, तो किसी यौगिक से ऑक्सीजन जुटता है, किसी यौगिक में क्या होता है या किसी तत्व में क्या होता है, तो ऑक्सीजन जुटता है जबकि क्या होता है सर हाइड्रोजन हटता है, क्या होता है सर हाइड्रोजन हटता है। और फिर क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग रिडक्शन की बात करते हैं, जब हम लोग रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन में क्या होता है, तो आप कहते हैं हाइड्रोजन जुटता है, रिडक्शन में क्या होता है हाइड्रोजन जुटता है जबकि आपका ऑक्सीजन क्या हो जाता है हट जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कहीं ना कहीं इस अभिक्रिया में भी क्या हो रहा है, तो इस अभिक्रिया में इससे हाइड्रोजन हट रहा है, अमोनिया से क्या हो रहा है हाइड्रोजन हट रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब अमोनिया से हाइड्रोजन हट रहा है मतलब अमोनिया का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण हो रहा है तभी ना सर यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, तो गुरुजी ऑक्सीजन जुट रहा है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है तो सर ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब तभी ना ये क्या कर रहा है सर H2O बना रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अमोनिया से हाइड्रोजन हट रहा है मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है इसमें जाकर के हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है जुट जा रहा है, तो ये सर क्या बना ले रहा है H2O बना ले रहा है, तो हाइड्रोजन जुट रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया का तो उदाहरण है ही है, साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो रहा है
और जिस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये आपका जो केमिकल रिएक्शन है ये विस्थापन अभिक्रिया और साथ ही साथ रेडॉक्स रिएक्शन दोनों का उदाहरण है। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में दोनों ही चीज मेंशन है। आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन जो है उसमें एक तथा चार है, तो रोमन अंक में पहला में एक में क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जबकि चौथा में क्या है, उदासनीकरण अभिक्रिया। तो आपका तो पहला ऑप्शन नहीं होगा सर, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। आपका दूसरा ऑप्शन है, तो सर दूसरा ऑप्शन में पहले दो दिया हुआ है, दो में संयोजन अभिक्रिया है, तो सर ऑप्शन नंबर बी भी हमारा चला गया। तीसरा ऑप्शन चेक करें सर, तीसरा ऑप्शन में हमारा एक दिया हुआ है और साथ ही साथ तीन दिया हुआ है, एक में क्या है, तो आप कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीन में क्या है, उपचयन अपचयन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से एक अभिक्रिया की बात की जा रही है। अभिक्रिया है 3Fe प्लस 4H2O, 3Fe प्लस 4H2O जब रिएक्ट कर रहा है तब ये Fe3O4 बना रहा है और साथ ही साथ 4H2 बना रहा है। तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो आपका अभिक्रिया है इसके बारे में यहाँ पे आपको चार स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कि इस चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा कि पहला स्टेटमेंट है कि आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है, दूसरा है जल अपचयित हो रहा है, तीसरा है आपका जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, और चौथा है आपका जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन पढ़ने से कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो कंसेप्ट घूमेगा वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के आसपास घूमेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं, चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए ये जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व कैसे होगा। तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कंसेप्ट लगेगा। आइए देखते हैं हम लोग रिएक्शन पे। मेरे मित्र यहाँ पे अभिक्रिया किसके बीच हो रही है, अभिक्रिया लोहा और H2O के बीच हो रही है। क्या बन रहा है, Fe3O4 और 4H2 बन रहा है। ध्यान दीजिएगा इस अभिक्रिया पे, आप क्या देख रहे हैं कि गुरुजी जब लोहा वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो लोहा के साथ क्या जुट रहा है, तो सर ऑक्सीजन जुट रहा है। लोहा के साथ क्या जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। मतलब क्या हुआ चेला, जो लोहा यानी कि Fe है इसका क्या होगा, आप कहेंगे ऑक्सीकरण होगा। का है, तो सर ऑक्सीजन जुटेगा तभी नहीं Fe3O4 बनाएगा। तो आप कहिएगा बिल्कुल। तो लीजिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि लोहा का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि लोहा का क्या होगा चेला, आप कहेंगे ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ सर, ऑक्सीकरण हुआ। और साथ ही साथ ध्यान देंगे, लोहा का तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है लेकिन H2O से क्या निकला है, आप कहेंगे गुरुजी H2O से जो है वो ऑक्सीजन निकला है तभी नहीं Fe के साथ जुटा है। तो जब ऑक्सीजन निकला है, ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन निकल गया है, तो H2O का क्या होगा। आप कहेंगे सर अभी ये बताए हैं कि रिडक्शन प्रोसेस में, अवकरण प्रोसेस में, अपचयन प्रोसेस में क्या होता है, तो सर ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। यानी कि यहाँ पे जल का क्या हुआ सर, आप कहेंगे गुरुजी जल का रिडक्शन हो गया। जल का क्या हो गया, रिडक्शन यानी कि अपचयन हो गया। जल का क्या हो गया, रिडक्शन यानी कि अपचयन हो गया। और भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि जिसका 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 अपचयन होगा, जिसका अपचयन होगा माने रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। का है, तो भाई मेरे रिडक्शन होगा तो क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो जो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा वो किसी न किसी पदार्थ के साथ जुड़ेगा, तो जिसके साथ जुड़ेगा वो क्या करेगा, तो सर उसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, जिससे ऑक्सीजन निकला है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जिसका अपचयन होगा, जिसका अपचयन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। और इसका उल्टा भी ध्यान में रखिएगा सर कि जिसका क्या होगा सर, उपचयन होगा यानी कि ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा, तो सर वो जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अवकारक कहलाएगा।
तो ये छोटा सा बात है, आप सभी अपने माइंड में हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिस किसी भी पदार्थ का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक कहलाएगा, और जिसका क्या होगा सर उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा, तो सर रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अवकारक कहलाएगा। मेरे मित्र ये जो आपका रिएक्शन है इससे इतना ही कंसेप्ट निकल के सामने आ रहा है। आप कहेंगे रिएक्शन देखने से हमको ये लग रहा है कि लोहा का ऑक्सीकरण हुआ है, जल का अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और जल यहाँ पे क्या कर रहा है सर, तो ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। आइए अपने स्टेटमेंट पे, पहला स्टेटमेंट है कि आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। आप कहेंगे बिल्कुल ही सही है सर, आपने यहाँ पे बता दिया है, यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा सही है सर। दूसरा है जल अपचयित हो रहा है। आप कहेंगे सर आपने तो लिखा है कि जल का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी चेला जी सही है, ध्यान देंगे। तीसरा है जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। आप कहेंगे सर ये गलत है, काहे, तो आपने बताया है कि जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेगा, तो जल तो यहाँ पे ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। आपका चौथा है कि जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। आप कहेंगे सर ये चीज़ सही है, यानी कि एक दो और चार ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में ये तीनों है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तीनों जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम उष्मा छेपी है। ऑप्शन है बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है एक अम्ल का तनुकरण, तीसरा है जल का वाष्पीकरण, और चौथा ऑप्शन है कपूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रक्रम जो है यानी कि कौन सा प्रक्रिया जो है वो उष्मा छेपी है। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि उष्मा छेपी का मतलब क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उष्मा छेपी को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी वैसा रासायनिक अभिक्रिया या फिर वैसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें क्या होता है उष्मा निकलती है, जिसमें उष्मा निकलती है उसको क्या बोला जाता है, तो सर उसको जो है उष्मा छेपी यानी कि एक्सोथर्मिक प्रक्रम या अभिक्रिया बोला जाता है। हमेशा क्या ध्यान में रखना है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिससे उष्मा निकलती है उसको क्या बोला जाता है, उष्मा छेपी अभिक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें उष्मा शोषी की, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये आपका वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसको होने के लिए क्या होगी, तो सर उष्मा की जरूरत होगी, यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा शोषित होती है, जिसमें उष्मा शोषित होती है, बगैर उष्मा दिए वो अभिक्रिया नहीं हो सकती है, उसको हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए अपने ऑप्शन पे, पहला ऑप्शन है एक बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि बिना बुझा जो है वो बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है, और जब ये H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और इस प्रक्रिया में क्या होगा, तो आप कहेंगे जहाँ पे प्रक्रिया होगा वो जो हमारा बीकर या बर्तन होगा वो गर्म हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा सर उष्मा निकलेगा, इसमें क्या होगा उष्मा निकलेगा, मतलब ये क्या है उष्मा छेपी प्रक्रम है। साथ ही आपका दूसरा है एक अम्ल का तनुकरण, यानी कि अम्ल एसिड का डाइल्यूशन। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर पानी के साथ अम्ल मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी उष्मा मुक्त होगी, यहाँ पे भी क्या होगी उष्मा मुक्त होगी। और ये चीज़ तो हम लोगों को बरसों से मालूम है कि पानी के साथ अम्ल मिले या फिर क्षार मिले क्या होगा, उष्मा मुक्त होगा और अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आप कहेंगे उष्मा छेपी कहलाएगी। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर 2 है दोनों ही क्या है सर, तो उष्मा छेपी प्रक्रम है। आपका तीसरा ऑप्शन है जल का वाष्पीकरण, जल आपका वाष्पित कैसे होगा, आप कहेंगे गुरुजी जब जल को हीट प्रदान किया जाएगा। मेरे मित्र जब जल को हीट प्रदान किया जाएगा तब वाष्पीकरण होगा, तो जाहिर सी बात है कि जल के वाष्पीकरण के लिए हमको किसकी जरूरत है, उष्मा की। और मैंने क्या बताया है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने के लिए उष्मा देना होता है या जिसमें उष्मा शोषित होता है उसको हम लोग उष्मा शोषी कहते हैं। तो जो आपका तीसरा है स्टेटमेंट वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर उष्मा शोषी हो जाएगा। आपका चौथा है कपूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन,
आप कहेंगे गुरुजी व्हेन वी डिस्कस अबाउट सब्लिमेशन, जब हम लोग सब्लिमेशन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि उर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई ठोस सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है बिना द्रव अवस्था में आए। कब? जब किसी ठोस को गर्म किया जाए तब। मतलब उर्ध्वपातन प्रक्रिया होने के लिए भी हमको क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए। तो अभिक्रिया क्या होगा? ऊष्मा शोषी। मतलब साफ है कि आपका जो स्टेटमेंट एक है और स्टेटमेंट दो है, ये दोनों क्या हैं? ऊष्मा छेपी हैं। जबकि स्टेटमेंट तीन और चार क्या है? ऊष्मा शोषी है। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में एक और दो लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ही ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 25 ml जलयुक्त ए बी सी के रूप में चिन्हित तीन बीकर लिए गए हैं। ए बी तथा सी बीकरों में कुछ मात्रा में क्रमशः सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड मिलाया गया है। यह प्रेक्षित किया गया कि बीकर ए तथा बी के बिलियन के ताप में वृद्धि हुई जबकि बीकर सी के बिलियन के ताप में कमी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेरे मित्र, क्वेश्चन को देख करके आप लोग भड़किएगा नहीं, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीन को बीकर लिया गया, हम लोग ले लेते हैं एक दो और ये तीन बीकर ले लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी। तीनों में क्या है? तो पहले से 25 ml पानी है, तीनों में 25 ml वाटर जो है वो पहले से है, तीनों में 25 ml वाटर पहले से है। ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा है? फिर कहा जा रहा है कि ए बी सी तथा बीकरों में कुछ मात्रा में क्रमशः NaOH, COSO4 तथा NaCl मिलाया गया। तीनों में कितना पानी है? 25 ml। और फिर तीनों में पहला बीकर में क्या मिलाया गया? तो पहला बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया। दूसरा बीकर में क्या मिलाया गया? तो सर दूसरा बीकर में कॉपर सल्फेट मिलाया गया। और साथ ही साथ तीसरा में क्या मिलाया गया? तीसरा में NaCl मिलाया गया। फिर क्या कहा जा रहा है? फिर कहा जा रहा है कि यह प्रेक्षित किया गया कि बीकर ए तथा बी के बिलियनों के ताप में वृद्धि हुई, यानी कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो आपका बीकर ए है और जो बीकर बी है, इस दोनों के ताप में वृद्धि हुई, इस दोनों के ताप में क्या हुई? वृद्धि हुई। जबकि जो आपका बीकर सी था, इसमें क्या देखा गया? तो इसमें देखा गया कि इसके ताप में कमी हुई, इसके ताप में क्या हुई? कमी हुई। तो आपको ये बताना है कि जो आपको चार स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ध्यान देंगे कि पहला आपका स्टेटमेंट है कि बीकर ए तथा बी में ऊष्मा छेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। दूसरा है कि बीकर ए तथा बी में ऊष्मा शोषी प्रक्रम संपन्न हुआ। तीसरा है कि बीकर सी में ऊष्मा छेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। और चौथा है आपका बीकर सी में ऊष्मा शोषी प्रक्रम संपन्न हुआ। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ऊष्मा मुक्त होगी। मतलब जो बीकर ए में अभिक्रिया होगा वो कैसा होगा? आप कहेंगे ऊष्मा छेपी। मेरे मित्र साथी, आप सभी ये भी ध्यान में रखिएगा, और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं स्पष्ट भी किया गया है कि बीकर ए और बी के ताप में वृद्धि हो रही है। मतलब ये हुआ कि दोनों ही बीकर में ताप में वृद्धि हो रही है, तो दोनों ही बीकर में क्या हो रहा है? ऊष्मा छेपी प्रक्रम हो रहा है। यानी कि दोनों ही बीकर में क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। और ध्यान में रखना होगा आपको कि अगर निर्जलीय कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में वाटर मिलाया जाए तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर और सल्फेट आयन में डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब ये डिकम्पोज हो रहा होगा तब वहां पे कुछ मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा भी निकलेगी, और इसको क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे ऊष्मा छेपी कहेंगे। आप कहिएगा कि गुरु जी बीकर ए और बीकर बी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। जबकि ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग जल में क्या करेंगे, सॉल्ट मिलाएंगे, NaCl मिलाएंगे, तो ताप में कमी होगी। मतलब क्या हुआ कि अगर हमको सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिलाना होगा तो जो बिलियन होगा उसके ताप में कमी होगी। और ध्यान में रखेंगे कि जब NaCl H2O के साथ रिएक्ट करता है, इसको कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट चाहिए होता है अच्छे से रिएक्ट करने के लिए।
आप कहेंगे गुरुजी जब हीट चाहिए होगा मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मतलब बीकर ए और बीकर बी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है, जबकि बीकर सी में क्या हो रहा है, ऊष्मा शोषी हो रहा है। आप देख लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन में कौन कौन से स्टेटमेंट की चर्चा की गई है। ध्यान देंगे कि आपका स्टेटमेंट के अनुसार पहला स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि बीकर ए तथा बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न होगा। आप कहेंगे पहला स्टेटमेंट तो गुरुजी सही है, दूसरा है बीकर ए तथा बी में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न होगा, आप कहेंगे गलत है। बीकर सी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न होगा, आप कहेंगे गलत है। चौथा है बीकर सी में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न होगा, आप कहेंगे सही है। यानी कि आपका स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट चार सही है। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में स्टेटमेंट एक और चार की चर्चा की गई है। ध्यान से देखेंगे तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसकी चर्चा ऑप्शन नंबर सी में की गई है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ हैं। यहाँ पर आपको चार अभिक्रिया दिया गया है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप कहेंगे कैसे पहचानेंगे, आसानी से पहचानेंगे। ध्यान दीजिएगा कि पहला रिएक्शन क्या है। तो पहला रिएक्शन है कि पीबी यानी कि लेड जो है वो CuCl2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है। तो सर अभिक्रिया करके ये PbCl2 लेड क्लोराइड बना लेता है और साथ ही साथ कॉपर अलग हो जाता है। चेला जी ध्यान दीजिएगा कि पीबी यानी कि लेड जब CuCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो सर CuCl2 में से कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को हटा दे रहा है। तो जब कॉपर को हटा दे रहा है तो ये क्या होगा, आप कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। आपको क्या चूज करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपका आंसर ये वाला नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो सर दूसरा है कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना ले रहा है, BaSO4 बेरियम सल्फेट और साथ ही साथ 2NaCl बना ले रहा है। आप कहेंगे गुरुजी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हम लोगों ने कई बार रटा है, इसी को क्या बोला जाएगा, आप कहिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी कैसे पहचाने, तो मेरे मित्र द्विविस्थापन अभिक्रिया आयनों के विनिमय के चलते होती है। और मैंने कई बार आपको बताया है अपने क्लास में कि कोई भी फॉर्मूला हो उसका फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव और सेकेंड पार्ट निगेटिव होता है। तो मेरे मित्र यहाँ पे Na2SO4 है तो फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव, ये क्या होगा निगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव यहाँ पे भी निगेटिव। क्या कहेंगे, पॉजिटिव जो है वो निगेटिव के साथ जुटेगा। तो सोडियम पॉजिटिव है निगेटिव के साथ जुटा NaCl बना लिया, अब बेरियम पॉजिटिव है सल्फेट निगेटिव के साथ जुटा बेरियम सल्फेट बना लिया। मतलब क्या हुआ कि जो आपका ऑप्शन दो है ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप कहेंगे गुरुजी तीसरा ऑप्शन क्या है, तो भाई मेरे आप सभी देख लो यहाँ पे तीसरा में क्या कहा जा रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि कार्बन O2 के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुट रहा है, मतलब ये हुआ कि ये आपका जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, साथ ही साथ प्रतिफल आपका एक ही बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि गुरुजी ये संयोजन अभिक्रिया है, क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी ऑक्सीडेशन और संयोजन के साथ साथ इसको हम लोग दहन अभिक्रिया के रूप में भी क्या कह सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। साथ ही आपका चौथा क्या है, तो सर चौथा है आपका CH4 यानी कि मीथेन 2O2 के साथ जल रहा है तो CO2+H2O बना रहा है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। भाई मेरे मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी ऑक्सीजन क्या करेगा, मीथेन को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑक्सीकरण तो होगा ही होगा। साथ ही मीथेन तो गैस है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये बर्न होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, आप कहेंगे CO2+H2O। तो आप देख लीजिए कि इससे क्या हो रहा है, तो सर मीथेन से हाइड्रोजन हट रहा है, मीथेन से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है। तो जब किसी से हाइड्रोजन हटता है
जब किसी से क्या होता है हाइड्रोजन हटता है तो आप कहेंगे गुरुजी उसका ऑक्सीडेशन होता है, और साथ ही यहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा है तो आप कहेंगे सर जब ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऐसे ही हमको पता चल रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ हैं, आप कहेंगे सर जो हमारा दूसरा है, दूसरा स्टेटमेंट या दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन बी में केवल टू लिखा हुआ है, तो सर बिल्कुल वही सही है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 अमोनियम सल्फेट यानी कि NH4 होल टू SO4 के साथ रिएक्ट करता है तब ये क्या देता है, तब ये BaSO4 बेरियम सल्फेट देता है और साथ ही साथ NH4Cl देता है यानी कि अमोनियम क्लोराइड देता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है, पहला है विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है अपक्षेपण अभिक्रिया, तीसरा है संयोजन अभिक्रिया और चौथा है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा इसका आंसर, आप कहेंगे कैसे पता चलेगा। मेरे मित्र मैंने आपको बताया है अभी जस्ट कि कोई भी हमारा रासायनिक सूत्र होगा उसका पहला पार्ट पॉजिटिव दूसरा पार्ट निगेटिव होगा। तो बेरियम क्लोराइड का पहला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला पार्ट निगेटिव, NH4 आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यहाँ पे सर तो आप कहेंगे पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन अभिक्रिया तो सर रिएक्टेंट के बीच होगा, तो पॉजिटिव वाला पार्ट किसके साथ जुटा चला जी, निगेटिव वाले के साथ, क्या बना लिया बेरियम सल्फेट, और ये NH4 किसके साथ जुट गया क्लोरीन के साथ, क्या बना लिया NH4Cl। क्या कह रहे हैं कि गुरु जी यहाँ पे अभिक्रिया जो है, जो अभिक्रिया हो रही है वो आयनों के विनिमय के चलते हो रही है, किसके चलते हो रही है आयनों के विनिमय के चलते हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, यानी कि इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट बन रहा है ये प्रोडक्ट जो है वो किस रूप में होगा, तो आप कहेंगे सर अब अवक्षेप के रूप में होता है, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा भी है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो सर पदार्थों का अवक्षेप बन जाता है, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप यानी कि प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया तो है ही है, साथ ही क्या है, तो सर ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। तो मेरे मित्र आप देख लीजिए अपने ऑप्शन में, आपका पहला ऑप्शन है ये विस्थापन अभिक्रिया है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, आपका दूसरा ऑप्शन है अवक्षेपण अभिक्रिया, आप कहेंगे सर हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो होगा क्योंकि इसमें अवक्षेप भी बनेगा तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी होगा, और साथ ही साथ आपका तीसरा है संयोजन अभिक्रिया, आप कहेंगे नहीं होगा, और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, आप कहेंगे सर चौथा स्टेटमेंट भी होगा, यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया होगी तो बेरियम सल्फेट और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, कहीं ना कहीं ये क्या है अवक्षेपण और द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपके इस आंसर के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में केवल एक लिखा हुआ है, नहीं होगा, दूसरे ऑप्शन में केवल दो लिखा हुआ है, नहीं होगा, तीसरे ऑप्शन में केवल चार लिखा हुआ है, आप कहेंगे नहीं होगा, चौथे ऑप्शन में आपका दो तथा चार दोनों लिखा हुआ है, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि जल का विद्युत अपघटन आइए दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात है, ऑप्शन है 1:1, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन है 4:1, चौथा ऑप्शन है 1:2। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरु जी ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये तो बड़ा टफ लग रहा है,
भाई मेरे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, तो पहले क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे। क्या कहा जा रहा है कि जल का अपघटन हो रहा है, मतलब जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन में टूट रहा है। तो भाई मेरे जब आप जल का अपघटन करोगे यानी कि 2H2O को जब आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2H2 मिलेगा। क्या मिलेगा सर, 2H2 मिलेगा और साथ ही साथ O2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2H2 और O2 मिलेगा। ध्यान देना कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आप कहेंगे गुरुजी दो, ऑक्सीजन के कितने हैं, एक। तो मेरे मित्र यही क्या हो जाएगा, आयतन के हिसाब से, आयतन के हिसाब से अनुपात हो जाएगा कितना, तो 2:1 कितना हो जाएगा, 2:1। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 2:1 की चर्चा की गई है। आप कहेंगे गुरुजी दूसरे ऑप्शन में, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो और किसी भी तत्व का मोलर अनुपात की बात की जाए, तो आप ये देख लेंगे बैलेंस करने के बाद, किसको सर, बैलेंस करने के बाद, कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें कौन सा पदार्थ कितना अणु के रूप में उपस्थित है। जैसे 2H2O जब विघटित होगा तो क्या होगा, 2H2 और O2 में क्या होगा, टूट जाएगा। तो जब ये टूटा तो हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स, तो आयतन के हिसाब से H2O के विखंडन से हमको दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका अनुपात कितना होगा, 2:1 होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, यानी कि आपको चारों ऑप्शन में से या कह सकते हो चारों स्टेटमेंट में से ये चूज करना है कि कौन कौन सा जो है आपका ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, यानी कि किसको होने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है। ध्यान देंगे कि आपका पहला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। आप कहेंगे सर कोई भी अम्ल हो, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, नाइट्रिक अम्ल हो, जब उसमें वाटर मिलाया जाएगा तो ऊष्मा रिलीज होगा, क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो तो ऊष्माशोषी नहीं होगा। आप कहेंगे कभी नहीं होगा सर। ध्यान देंगे दूसरे स्टेटमेंट पे, दूसरा स्टेटमेंट में है शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। शुष्क बर्फ हम लोग किसको बोलते हैं, तो आप कहेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऊर्ध्वपातन होगा मतलब कुछ ना कुछ हीट चाहिए, तो शुष्क बर्फ के ऊर्ध्वपातन के लिए आपको हीट चाहिए होगा, मतलब ये क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हीट तो अवशोषित ना होगा, तो जब हीट अवशोषित होगा मतलब क्या हुआ, ऊष्माशोषी होगा। यानी कि आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ऊष्माशोषी प्रक्रम का कहीं ना कहीं उदाहरण होगा। ध्यान देंगे तीसरे स्टेटमेंट पे, तीसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जल वाष्प का संघनन। ध्यान देंगे कि जल वाष्प, जब हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या करते हैं, जो पानी की बूंदे होती है या जल का जो वाष्प होता है उसको अगर हम ठंडा करते हैं, तापमान कम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, संघनित होना बोलते हैं, केमिकली रसायन के भाषा में संघनित होता है तो क्या होता है, आप कहते हैं सर वाटर मिल जाता है हमको फिर से। तो जल वाष्प का जो संघनन है वो कम तापमान पे हो रहा है, ना कि उसको हमको करने के लिए उष्मा देने की जरूरत पड़ रही है या फिर उससे उष्मा निकल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। अरे भाई जब आप चाय बनाते हैं किचन में या खाना बनाते हैं तो भाप वगैरह किचन के शेड में लग जाता है, तो जैसे जैसे वहाँ का माहौल ठंडा होता है पानी बूंद बूंद रूप में टपकना शुरू हो जाता है, तो क्या आप उसको करने के लिए अलग से टेम्परेचर देने जाते हो, उष्मा देने जाते हो। आप कहेंगे सर क्या जरूरी है हमको ऐसा फालतू काम करने की, तो भाई मेरे हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो जल वाष्प का संघनन है, तो जल वाष्प का संघनन टेम्परेचर कम होने पे होता है, तो हम लोग इसको ना तो उष्मा छेपी कह सकते हैं और ना ही इसको हम लोग उष्मा शोषी कह सकते हैं, क्योंकि तापमान ठंडा होगा तो जाहिर सी बात है वो संघनित हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर तीसरे ऑप्शन की तो बात ही नहीं होगी। अगर चौथे ऑप्शन की बात किया जाए तो चौथा ऑप्शन में है जल का वाष्पीकरण। तो मेरे मित्र जल को वाष्प बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ टेम्परेचर की तो जरूरत पड़ेगी, मतलब जल के वाष्पीकरण के लिए आपको उष्मा देना होगा, तो जब उष्मा देना होगा तो उष्मा शोषित होगी, क्या होगा, उष्मा शोषी। यानी कि आपका जो चौथा स्टेटमेंट है वो क्या है सर, तो उष्मा शोषी है। क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा था, क्वेश्चन करा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा शोषी प्रक्रम है, तो आप कहेंगे स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 जो है वो क्या है हमारा, उष्मा शोषी प्रक्रम है। तो देख लीजिए कि किस ऑप्शन में इसकी चर्चा की गई है। आप कहेंगे गुरुजी स्टेटमेंट 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10,
क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। मेरे मित्र, यहाँ पे आपको चार रिएक्शन दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे संभावना बहुत ही विकट है, हाउ टू एंड आइडेंटिफाई विच वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? तो चेला जी, संयोजन अभिक्रिया का बस एक ही पहचान है, जहाँ पे भी होगा एक्के वो प्रतिफल बनेगा, जहाँ पे भी हो रहा होगा एक ही प्रतिफल बनेगा, यानी कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो आप देख लीजिए ना अपने ऑप्शन में से ऐसा कौन कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, एकल प्रतिफल बन रहा है। ध्यान दीजिएगा पहले ऑप्शन पे, पहले ऑप्शन में क्या है? तो सर, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को जब हीट दिया जा रहा है तब ये टूट करके KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना ले रहा है। हीट देकर किसको तोड़ा जा रहा है, मतलब अपघटन अभिक्रिया है। सर ये तो ऐसे ही दौर से बाहर हो गया। दूसरा कि MgO प्लस H2O अभिक्रिया करके MgOH होल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, मतलब ये क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया होगा। तो आपका जो स्टेटमेंट टू है, यानी कि दूसरे स्टेटमेंट में जो रिएक्शन दिया गया है वो संयोजन अभिक्रिया है, आप कहेंगे बिल्कुल ध्यान देंगे। तीसरा में क्या हो रहा है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, यहाँ पे भी एकल प्रतिफल बन रहा है, मतलब तीसरा भी हमारा क्या है, तो सर संयोजन अभिक्रिया है। चौथा देखिएगा, तो चौथा में है सर Zn प्लस FeSO4, ZnSO4 प्लस Fe बना रहा है। आप कहेंगे सर ये तो संयोजन अभिक्रिया ना है, हमरा मालूम है, लेकिन एक बार ये बता दीजिए कि कौन सा अभिक्रिया है। तो चेला जी देखिए ना, बड़ा शांत सा अभिक्रिया है कि जिंक जो है वो FeSO4 के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बना ले रहा है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, तो सर Fe को अलग कर दे रहा है। तो ध्यान दीजिए ना कि फेरस सल्फेट से जिंक जो है क्या कर रहा है, ये फेरसबा को अलग कर दे रहा है, अपने जो है जिंक वो सल्फेट के साथ जुड़ करके जिंक सल्फेट बना ले रहा है। तो जो आपका चौथा स्टेटमेंट है, यह विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको क्या चूज करना था, संयोजन अभिक्रिया कौन है, आप क्या कहेंगे, दो और तीन देख लीजिए सर किस ऑप्शन में है। आपका पहला ऑप्शन है एक तथा तीन, आप कहेंगे ना होगा सर आंसर। दूसरा है तीन तथा चार, आप कहेगा ये भी ना होगा। और आपका चौथा है सर दो तथा चार, आप कहेंगे सर ये भी नहीं होगा। और चौथा है दो तथा तीन, आप कहेंगे गुरुजी ये है ना होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया क्या है कि KClO3 को क्या किया जा रहा है सर, तो उष्मा दिया जा रहा है, और साथ ही साथ उत्प्रेरक के उपस्थिति में, कैटलिस्ट के उपस्थिति में ये KCl+3O2 बना ले रहा है। तो आपको ये कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है। ध्यान दीजिएगा, पहला आपका स्टेटमेंट है कि यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्माशोषी प्रकृति का है। दूसरा है यह एक संयोजन अभिक्रिया है। तीसरा है यह एक अपघटन अभिक्रिया तथा उष्मा के निकलने के साथ संपन्न होती है। चौथा है यह एक प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्माक्षेपी प्रकृति की। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अभिक्रिया पढ़ते पढ़ते इतना तो दिमाग आ गया है हमको कि यहाँ पे KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट का क्या हो रहा है, उष्मीय अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है, उष्मीय अपघटन हो रहा है। काहे, तो उत्प्रेरक के उपस्थिति में जब KClO3 को गर्म किया जा रहा है यानी कि उष्मा दिया जा रहा है, तब यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। और जब यह टूट जा रहा है तो हम सबों को मालूम है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स दो छोटे छोटे प्रतिफल में टूट जाता है क्या कहलाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अपघटन तो कई तरीके से होता है, हीट देके तो कर रहे हैं तो उष्मीय अपघटन, इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन विद्युत अपघटन हो जाएगा, सनलाइट के थ्रू हो रहा है तो फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे हीट से हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, उष्मीय अपघटन होगा। और साथ ही साथ जब इस अभिक्रिया को होने के लिए हमको उष्मा देना पड़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उष्मा शोषित होगा, उष्मा निकल तो नहीं रहा है ना, उष्मा हमको देना पड़ रहा है तोड़ने के लिए, ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर उष्मा शोषी नेचर वाला हो जाएगा। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है कि यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा शोषी प्रकृति की है, बिल्कुल ही सही है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। पहला ऑप्शन है
एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, दूसरा है वायु का द्रवीकरण, तीसरा है चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, और आपका चौथा है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किस में रासायनिक अभिक्रिया होती है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का हम भंडारण करते हैं तो यहाँ पर तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा? तो सर गैस को लिक्विफाइड करके सिलेंडर में भरना होगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेस करना कहते हैं, संपीड़ित करना कहते हैं, यहाँ पे तो कोई रासायनिक अभिक्रिया की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन आपको चूज क्या करना है कि किस में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा सर, नहीं होगा आंसर। दूसरा है वायु का द्रवीकरण, मतलब क्या हुआ कि एयर को लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो एयर जब लिक्विड फॉर्म में आएगा तो ये भी आपका कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं होगा, यहाँ उसको हम लोग क्या करेंगे सर, संपीड़ित करेंगे, प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो सर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। गैस को आप संपीड़ित करोगे, दबाओगे, तो वो किस फॉर्म में हो जाएगा? आप कहेंगे सर द्रव फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा, तो एयर भी तो आपका गैस ही है। आप कहेंगे सर यहाँ भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। आपका तीसरा है कि चीनी की प्याले में खुले में पेट्रोल रखना, खुला में पेट्रोल रख देंगे तो वो वाष्पित हो जाएगा। रीजन क्या है? तो सर उसका जो क्वथनांक बिंदु होता है वो कम होता है, तो जल का वाष्पीकरण हो या फिर किसी और लिक्विड का वाष्पीकरण हो तो ये तो फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा ना। अगर हम उस वाष्प को इकट्ठा कर लें तो फिर से तो हम क्या कर सकते हैं सर, कोई लिक्विड जो वाष्पित हुआ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, जबकि उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म किया जाएगा। तो आप कहेंगे वायु की उपस्थिति माने क्या, कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होगी, और जब कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होगी तो ये क्या बनेगा, CuO बना लेगा। क्या कहिएगा, ये तो रासायनिक अभिक्रिया है और यही आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिए, अभिक्रिया क्या है, तो अभिक्रिया है कि 2PbO किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, कार्बन के साथ, तो क्या बन रहा है, 2Pb+CO2 बन रहा है। और यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है सीसा अपचयित हो रहा है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तीसरा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, और चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। और आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कि गलत है। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस रिएक्शन, जब हम लोग इस अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे तो कहेंगे कि जो लेड ऑक्साइड है ये कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो क्या बना रहा है, सीसा और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट है। मेरे मित्र यहाँ पे इस PbO से लेड ऑक्साइड से क्या हो रहा है, तो गुरु जी ऑक्सीजन निकल जा रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है। तो चला जी अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे गुरुजी जब ऑक्सीजन निकलेगा तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन यानी कि रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और साथ ही ध्यान देंगे कि ये जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ जाकर के जुट रहा है, कार्बन के साथ, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे उपचयन हो जाएगा यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो सही क्या है कि गुरुजी लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है जबकि कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन हो रहा है। आपको गलत कथन चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है कि सीसा अपचयित हो रहा है। पहला क्या है, सीसा अपचयित हो रहा है। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है तब जाके हमको सीसा मिल रहा है। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है सर। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। क्या कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है गुरुजी, यहाँ पे कार्बन का उपचयन हो रहा है तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, यानी कि स्टेटमेंट बी गलत है। और ध्यान देंगे तीसरे स्टेटमेंट पे, इसमें कहा जा रहा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है। आप कहेंगे आपने लिखा है सर, तीसरा सही है। और चौथे में कहा जा रहा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, आप कहेंगे सर ये भी सही है। तो आपको क्या चुनना था, तो गुरु जी हमको तो असत्य चुनना था। तो असत्य कौन है, ए और बी, और ये आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे गुरु जी पहले ही ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि Fe2O3
प्लस टू ए एल जब अभिक्रिया करता है तब ए एल टू ओ थ्री प्लस टू एफ ई बना लेता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है वियोजन अभिक्रिया, चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। मेरे मित्र ये क्वेश्चन का आंसर आप सबों के ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने जो आपको पीछे 13 क्वेश्चन करवाया है कहीं ना कहीं उन सारे क्वेश्चन से आपको इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने का एक आइडिया जरूर लग गया होगा। और अगर आप सीखे हैं तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, तीसरा है कोई अभिक्रिया नहीं होती, चौथा है आयरन लवण एवं जल बनता है। आप कहेंगे सर ये चीज़ कैसे पता चलेगा, मेरे मित्र आसानी से पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है ये चीज़ पूछा जा रहा है। मतलब साफ है कि अगर लोहा की अभिक्रिया HCl के साथ कराई जाए तो क्या बनेगा, FeCl2 और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, यानी कि आपका क्या बनेगा, तो सर लोहा का क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि ये चीज़ आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहली ऑप्शन में लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। भाई मेरे लोहा का क्लोराइड बोलो या इसी को आयरन क्लोराइड बोलो, बतवा तो बराबर है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उम्मीद करते हैं आप सभी उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।